तो नीतू और जो लखन है उनकी आज हमें मिली थी मम्मी। अकाउंट अलग सेटल कर दिया, कोई अलग अलग नहीं है, तुम ही करोगे जो खर्चा करना है। ना एक 250 रुपए का डब्बा आ जाता है ब्रो कॉफी का। इनकी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। क्या चली है प्रिया की शूज शॉपिंग? तो गाइज इस ब्लॉग को मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज एडिट करके डाल देती हूँ। ये न्यू ईयर के दिन का ब्लॉग है, तो मैंने सोचा न्यू ईयर पे मैंने क्या किया था वो सबको आपको पता होना चाहिए, इसलिए। हे गाइस गुड आफ्टरनून, तो कैसे हैं आप सब? आए हो पापा, सब बच्चे होंगे। तो गाइज हो चुकी है दोपहर और अभी अभी हम छोड़ने आए थे मनन को मनन के घर पे, तो आ चुके हैं हम मनन के घर पे। और तो जो दीदी ने पूरी वगैरह बना रखी है तो हम वो खाएंगे, पूरी वूरी खा के निकलेंगे यहाँ से। आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे बन रही है न्यू ईयर के दिन यहाँ पे पूरी मटर आलू और पनीर वनीर बना लेती यार। हम खाते तुम ही तो थक गए, हम थोड़ी थक गए पनीर खा के। तो ये देखो मनन यहाँ मेरी चॉकलेट और पेस्ट्री मिला ले आएंगे। और ये है मनन का क्रिसमस का क्रिसमस ट्री, ये देखो ऊपर तक आई कहां। चलो खा रहे हो, बैठो। तो गाइस यहाँ पे हमारी आ चुकी है पूरी चाय। लो यहाँ बैठोगे? यहाँ बैठते तो आराम से खाते बैठ के ऐसे। मैं ठंड लग रही बहुत तेज, चम्मच की तलाश है ला रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना, खजाना खा चम्मच। तो गाइस यहाँ से हम घर से निकल रहे हैं और घर वाले जाते जाते इतना सामान पकड़ा देंगे, इसे ही रखो पहले तो। हाँ मनन रो रहा था भाई बड़ी मुश्किलों से, तुमने वो दे दी। मैं मूवी देखने जा रहा सनी मूवी, उसके साथ अब मूवी देखने जा रहा हूँ। डीएलएफ जाऊंगा, डीएलएफ तो उसके साथ में जब करी जा रही थी। तो गाइज अब हम जा रहे हैं डीएलएफ मॉल, तो आपको मिलते हैं डीएलएफ मॉल पहुंच के। वहां से थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। गाइज हमने नहीं करा था सुबह मेकअप अपना, तो अब हम कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो आप देखिए गाड़ी में बैठ के आ जाएगा। तो थंबनेल क्या रखने वाले हैं, क्या थंबनेल बना सकते हैं? आप देख सकते हैं ये दो नेल्स गायब, क्योंकि हाथ पे जैसे कि आपने देखा ही होगा जब मैं ब्लॉग बना रही थी इस पे लग ही नहीं रहे थे, तो वो सही से लगे ही नहीं थे। तो डन हमारा आएगा, डन 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 मिलते हैं गाइस अब सीधा हम आपको डीएलएफ मॉल पहुंच के। अब हम हो गए हमारा मेकअप शेकअप सब हो गया है, डी और मम्मी आ रहे हैं। शुक्र है भगवान का आधे घंटे बाद हमें पार्किंग मिली है। देखो फुल 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 क्या L214 किधर 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 तुम अपनी बीवी को नहीं पहचान पाई? ये हर बार यहीं खड़ी रहती है, कोई लेता नहीं कैसे, ये हमेशा ऐसी खड़ी रहती है। कहाँ चले? उधर चले, ज़ारा है, ज़ारा इधर की साइड से। ज़ारा चले हो पहले, डिकैथलॉन चल जाओ। डिकैथलॉन का क्या काम, गर्म कपड़े मिलते हैं सारे। ज़ारा चलो, ज़ारा कैसे नहीं पता होगा मुझे। चलो परफ्यूम के साइड चलते। अरे ये हुडी जो चिंकी थी कह रही थी कितने कितने की है, सही ज़ारा में आए ना बॉयज? पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि तुम इसी पे आओगे। नो नहीं यार, चलो ऐसा तो रखा है घर तुम्हारे पास, ये ले लो। मैं देखो ये देखो क्या बता दिया है। 1 तारीख से तुम्हारा मैंने अकाउंट अलग सेटल कर दिया। कोई अलग अलग नहीं है, तुम ही करोगे जो खर्चा करना है ना। 1 तारीख से तुम्हारा अकाउंट सेटल, दो परफ्यूम दिला के 2300 रुपए जोड़ दिए मेरे अकाउंट में। जुड़ेंगे तो है भैया, ज़ारा के परफ्यूम लोगे तो ऐसे होगा। नहीं ज़ारा के लूँ, किसी चीज़ के भी लूँ, पर मेरा कोई अकाउंट कभी अलग नहीं हो सकता।
यहाँ से पर्स दिला दो, यहाँ से वो 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 दिला दो। लड़कियों की कभी शॉपिंग खत्म नहीं होती, इसलिए मैं आंखें बंद करके सीधी निकल जाती हूँ, पैसे बच जाते हैं। कर लेता हूँ मैं यार, देखो ना कहीं को कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग। क्या चल रही है प्रिया की शूज शॉपिंग? दिखाओ कैसा लग रहा है। सारे नज़ारे तो दिखा दूँ, कोई आए तो देख ले। मैक्टी का बर्गर बर्गर खा। टन 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 हो गया। तो गाइस हम यहाँ पे खाने वाले हैं, कुछ अलग सा सोच रहे थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसमें राइस भी ले सकते हैं इसमें? क्या जी? राइस नहीं चाहिए हमें, हमें वही चाहिए, नूडल्स वाली चाहिए। इसमें ऐड करा सकते हो तुम, इसे बोल दो सब यही ले रहे हैं। आ जाओ तुम्हारा ही इंतजार था। तुझे गुल्ली गुच्छा में चल लेते। क्यों? बीच मोहल्ले में बैठे हैं। क्या हो गया? मैं कोई रोक लेगा? अच्छा तुम अपने लिए वो वाली क्या हो, मेरे लिए फर्जी वाली तंदूरी वाली है खमीर। तुमको पसंद है ना तंदूरी वाली? इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसमें मीठी होती है ना। ठीक है तो भाई खा दे खाना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ले लो, ट्राई कर लेना एक बार। नहीं पता क्या आइटम है ये, क्या है ये? तो कोल्ड कॉफी है। ठीक है बैठ के बताते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट कर ही दिया। तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है? ये मुझे नहीं पता कुछ नाम देखने से नाम नहीं होता क्या? तो हमने हमने ऑर्डर किया है, थी मैंने पता नहीं ये क्या क्या लेके आए, पर देखते हैं। मैं तो अपनी कॉफी पीऊंगी। मिनी बोन करके कुछ है ये। मिनी बोन का लिखा है दिखा ना। अच्छा भाई हमें भी नहीं पता क्या आइटम है ये, पर जो भी है हम खा लेंगे खाने के बाद हमें पता। मुझे पानी पीना था पर मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफी। दिल्ली के अंदर आ गई नेल स्टोर गए हुए। ओहो भैया सब चक्कू तलवार इसमें चक्कर में दिया ही है। क्या बात, चाय नहीं ला रहे तुमसे? फोन लेके तो नहीं भागे हो? यहाँ पड़े ना। क्यों ये कटा कटा मुझे खा के दिखाओ कि कैसा कैसा लग रहा है ये ना, तुम बताना ना मुझे। तुम हो ना, तुम बताओ खा के। तो गर्म है ये। गर्म है, गर्म है। अरे ब्रेड होता थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर आया, ब्रेड जला भी रखा है ना, क्योंकि पिज्जे की कर रहे हो तो मैं बेचा रहा हूँ। बस थोड़ा मीठा है ये। बस ब्रेड जो आता है ना उसमें थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा लग रहा है जैसे क्रीम क्रीम सी डाल दी हूँ, बिल्कुल गंदा। और मेरी कॉफ़ी के बताओ ढाई सौ रुपये की कॉफ़ी ऐसी, ढाई सौ रुपये का डब्बा आ जाता है कॉफ़ी का। इतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। ये है, ये है मेन आइटम। क्या है ये?
इसमें है सारे पैसे, इसके अंदर कुछ भरा था क्या? इसमें है कुछ, मिला कुछ? क्या है? क्रीम सी आई है, बाकी कुछ नहीं, कोई ब्रेड ही है। कुछ नया खाने का चुलता हमारे यहाँ तो हमने खाने पे तो नया दिखाया नहीं, क्योंकि अगर खाना गंदा मिल जाता तो हमसे खाया नहीं जाता, इसलिए हमने ये मंगाया। तो गाइस आज मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो नीतू लखनीत जो ब्लॉग है उनका चैनल का नाम है नीतू लखनीत, तो नीतू और जो लखन है उनकी आज हमें मिली थी मम्मी। और कौन सा वो था वो जिसमें हम लेने गए थे, क्या नाम था? हाँ वो रहा सामने ही है, वहाँ पे वो थी और मैं उन्हें देख रही थी, यानी कि यही है। फिर मैंने उनके बालों से पहचाना, उनके बाल छोटे छोटे हैं ना, उनसे वो ज़्यादा फेमस है हमारी कॉलोनी में, तो हमने उसी के उससे मैंने पहचाना, हाँ बाल भी वही हैं, बढ़िया लग रही थी जो भी था, पर इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम आ गए, अभी तक मेरी निगाहें उन्हें ही ढूंढ रही हैं पर वो मिल नहीं रही, कोई बात नहीं कभी और मिलेंगे। पकड़ के ही बैठा लूँगा मैडम, कॉफ़ी पी के जाऊँगा आज तुमको। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने खाना जो भी थोड़ा बहुत खाना था खा लिया, अब बज रहे हैं 6 से भी ऊपर हो गए टाइम, अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए सीधा, अब हम कहीं नहीं रुकने वाले, घूमे हम इतना। पर मैंने 2 परफ्यूम जो मैं घर से सोच के आई थी वो तो मैंने ले लिया, यानी कि हमने आज विंडो शॉपिंग नहीं की है ना, जो हमने सोचा सिर्फ वही लिया। चलो मिलते हैं, गाड़ी में पहुँच गया आपसे। गुड मॉर्निंग, तो सीधा मैं आपको सुबह में मिल रही हूँ, क्योंकि हमें मॉल में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पर ले लेती हूँ, क्योंकि घर जाती फिर सोचते आप सीधा दिल्ली से नजीब बहुत कैसे पहुँच गई है। तो ये देखो ये चर्च, और यहाँ पर बॉम फायर हुआ था जैसे कि सबको पता ही है, दिखाया था मैंने, बोला कुछ नहीं था पर दिखा दिया था। तो चलो ऐसे चलते हैं, और आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से शेयर करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो रहा है, बाय बाय।